हे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर कैम के अंदर यूनिट किस तरीके से चेंज की जाती है। जब हम मास्टर कैम को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सपोज की इंच यूनिट हो तो उसे मैट्रिक में कैसे चेंज करते हैं, और सपोज मैट्रिक यूनिट हो तो उसे इंच में कैसे चेंज करते हैं। अभी यहाँ पर हमारी इंच की यूनिट है तो इसे मैट्रिक में चेंज कैसे करते हैं उसका प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करें फाइल पर। फाइल पर यहाँ ऊपर की तरफ ऑप्शन रहता है फाइल का हमारा, फाइल पर क्लिक करें। फाइल पर क्लिक करने के पर हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन ओपन हो जाता है फाइल के अंदर, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें। कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करने पर हमारे सामने इस टाइप में एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ करंट के अंदर यहाँ पर हमारा ऑप्शन देता है कि यहाँ पर अभी किसे ये चेंज चूज करना है। यहाँ पर ये अभी यहाँ पर इंच लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नीचे एरो की को क्लिक करें और यहाँ पर मैट्रिक पर क्लिक करें। मैट्रिक पर क्लिक करने पर ये हमारा मैट्रिक के अंदर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप यूनिट जो है मैट्रिक चेंज हो गई है। अब आप क्या देख उसमें यूनिट में जो हमारे दिखाएगा वो क्या देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी मिलीमीटर में चेंज कर देंगे। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर रहता है नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल ऑफ एनालाइज, कि जब आप कुछ भी रीड लिख रहे हैं तो उसमें पॉइंट डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स दिखने हैं, यहाँ पर उस चीज़ का भी ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ रहता है यूनिट ऑफ एनालाइज मेजरमेंट, जो यूनिट के अंदर रहती है एनालाइज मेजरमेंट वो कौन सा चाहते हैं, तो इसमें यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन देता है। इंच में चाहते हैं आप, फिट में चाहते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, तो हम यहाँ पर मिलीमीटर में सिलेक्शन कर लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देता है प्रिसीजन फॉर एनालाइजिंग मेजरमेंट्स, अर्थात जब हम कोई किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसमें दशमलव के बाद कितने डिजिट्स दिखने चाहिए, उस चीज़ को भी यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। देन यहाँ पर सिलेक्शन चेंज करने के बाद ओके पर क्लिक करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैट्रिक लिखा आ गया, अर्थात अब जो भी बनाएंगे वो सब यहाँ पर मैट्रिक के अंदर रीड करेगा। अब हमें यहाँ पर कुछ नाउ वी डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ द वीडियो। इसमें हमें प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले क्लिक करना है फाइल बटन पर। फाइल बटन पर क्लिक करने के बाद हमें दबाना है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद पहला ऑप्शन रहता है एनालाइज। एनालाइज में वहाँ पर हमें यूनिट चेंज कर लेना है जो यूनिट हमें चाहिए, और देन हमें दबाना है ओके। इन प्रोसेस को फॉलो करके हम यूनिट को चेंज कर सकते हैं।